अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या अब अपनी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देंगे या फिर वो सीएम पद पर बने रहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये लगातार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो कि अपनी गिरफ्तारी के बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया है। इससे पहले करप्शन के केस में जितने भी मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण हेमंत सोरेन का है, जब उनको गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने पहले रेजिग्नेशन दिया, एक नया मुख्यमंत्री बनाया और फिर उन्होंने उनको गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले चारा घोटाले में जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव को गिरफ्तार किया गया था, अवैध खनन घोटाले में जब तत्कालीन सीएम येदुरप्पा को या फिर जयललिता को भी जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था तो उन लोगों ने भी पहले इस्तीफा दिया था। लेकिन इतना ही नहीं, करीब 51 दिन पहले जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ राउज एवेन्यू कोर्ट से और अभय पराशर केजरीवाल के घर से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भास्कर, अरविंद केजरीवाल ना रिजाइन दे रहे हैं और इसके अलावा जो लगातार उनकी पार्टी कह रही है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से रिज़ाइन नहीं देंगे। आपने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद भी ये देखा था कि बहुत बाद में जाके उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या परिदृश्य उत्पन्न होने वाला है इसका अंदाज़ा पहले से था और इसलिए ये तैयारी कर ली गई थी। ये कहा गया था कि जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार को चलाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, परेशानी होगी। अब ये देखिए कि दिल्ली सरकार में वरीयता के क्रम में अरविंद केजरीवाल के बाद कौन है जो देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर जेल में रहेंगे तो उनके बाद जो प्रमुख कार्य है वो आतिशी सिंह के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली सरकार के तमाम जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो आतिशी सिंह के पास में है, और उसके बाद नंबर आता है सौरभ भारद्वाज का। ये दो बड़े मंत्री हैं दिल्ली सरकार के जिनके पास तमाम बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसी जिम्मेदारी जिनको लेके चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वित्त की बात हो, तो ये तमाम बातें जो आम आदमी पार्टी के लीडर वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं तब जो करते हैं, वो सारी जिम्मेदारी अब इन दोनों नेताओं के पास में है। तो ये मान के चलें कागज़ पे बेशक अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना दें, लेकिन सरकार चलाने की जिम्मेदारी खासतौर पर आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज के पास में होगी। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देंगे, बैकग्राउंड पहले से ही तैयार है। उसके बाद क्या परिदृश्य उत्पन्न होगा ये देखना होगा। क्या हर बात के लिए वो कोर्ट जाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग में वो किस तरह से शामिल होंगे। जेल मैनुअल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहां एक सीटिंग मुख्यमंत्री जेल में बैठ के तमाम जो दफ्तर के काम है वो काम करे, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात अरविंद केजरीवाल को भी पता है, आम आदमी पार्टी को भी पता है, उसके बावजूद भी अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो ये मान के चलिए ये गतिरोध और लंबा चलने वाला है और हर बात के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल आसानी से इस्तीफा देने वाले नहीं हैं, और ये हर स्तर पर ये बात कह दी गई है, हर स्तर से इसकी स्वीकृति ली गई है, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों और दिल्ली की जनता हो, वो सब रिकॉर्ड में है आम आदमी पार्टी के पास में। और इस बिना पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि ना तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, ना ही पार्टी के चीफ के तौर पे। सरकार के में कौन जिम्मेदारी क्या संभालेंगे हमने बता दिया। जहाँ तक पार्टी की बात है तो पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद अब जो कोई भी संगठन देख सकते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका संदीप पाठक की है। संदीप पाठक के अलावा कोई भी पार्टी में ऐसा नहीं है जो संगठन को अच्छी तरह से चला सकता है। अरविंद केजरीवाल का बेशक डायरेक्शन होता था, लेकिन सारी स्ट्रैटेजी, सारा काम संदीप पाठक का था। तो आप ये मान के चलें इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और आगे अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के चुनाव तक जेल में रहते हैं तो बड़ी भूमिका संदीप पाठक की होगी। संदीप पाठक तय करेंगे कि कहां संगठन की जिम्मेदारी किसके पास क्या होगी और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये एक रफ आइडिया है हम लोगों के पास कि किस तरह से पार्टी और सरकार को चलाया जा सकता है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है इस्तीफा नहीं देंगे, बिल्कुल ये देखना होगा आम आदमी पार्टी के आगे की रणनीति। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दी जा सकती है और इसके अलावा संदीप पाठक संगठन की जिम्मेदारी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल रेजिग्नेशन नहीं देंगे ये तो बिल्कुल तय माना जा रहा है। अभय इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, वहां पर इस वक्त किस तरीके की सिक्योरिटी है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं गोपाल राय की तरफ से कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है फैमिली को, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि घर से बाहर कोई आ रहा है या अंदर कोई जा पा रहा है?
देखिए सबसे पहले गौनिका मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसके बिल्कुल बाहर इस तरीके का इंतजाम किया गया है। अरविंद केजरीवाल का घर यहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन उससे पहले ही उनकी गली के बाहर जो कॉलोनी का दरवाजा है इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहां पर सिक्योरिटी जो है वो आप देख सकते हैं, जो यहां पर रहने वाले लोग हैं सिर्फ उन लोगों को यहां पर आप ये एंट्री पॉइंट देख सकते हैं, ये एक एंट्री पॉइंट है, जितने भी लोग मिलना चाहते हैं या फिर आएंगे वो यहां पर अपना एक वैलिड रीजन जो है वो पुलिस को दिखाएंगे या फिर जो यहां पर लोग जो भी इस प्रेमिसेस के अंदर जाना चाहते हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बिना वजह किसी को भी इस रास्ते से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। आप देखिए जो कुछ गाड़ियां आ रही हैं ये इस इलाके के रहने वाले लोगों की हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ही 100 मीटर पहले ही एक बड़ा गेट बंद कर दिया गया है और यहां पर पूरी तरीके से आवाजाही बंद कर दी गई है। अब क्योंकि राहुल गांधी को यहां पर पहुंचना है, 10 बजे के आसपास का समय है कि राहुल गांधी यहां पर आएंगे अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने, तब यह देखने वाली बात होगी। अगर राहुल गांधी यहां पर पहुंचते हैं तो वो भी यहां पर आएंगे, उनकी गाड़ी को यहां पर रोका जाएगा और उसके बाद अगर वो वैलिड रीजन होता है कि हां परिवार में उनकी किसी से बात हुई है, उस तरीके से माहौल देखने के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाएगा। अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा यह भी जब वो यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल जहां तक बात है हाउस अरेस्ट की, इस तरीके की कोई तस्वीर जो है अभी नहीं नजर आ रही है। परिवार के लोग घर के अंदर मौजूद हैं, सुरक्षा का कड़ा पहरा ना केवल सिर्फ अरविंद केजरीवाल के परिवार के लोगों के लिए कि वो घर के अंदर मौजूद है तो क्या उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उनको ही नहीं बल्कि पूरी